हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके तरफ, या फिर ओवरऑल क्या एनर्जी आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके तरफ, क्या हो सकता है आपकी पर्सन की तरफ से। तो रीडिंग जो है टाइमलेस है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसके एनर्जी को पिक करेगा, ठीक है। पोटेंशियल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में, उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। पोटेंशियल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए। तो गाइस रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। और सबके लिए रीडिंग ओपन है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो, और कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। सारे ही जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सारे रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही दो कार्ड आए हैं यहाँ पर, बैलेंस का, रिकॉन्सिलिएशन का, रियूनियन का। दूसरा आया है सक्सेस का, तीसरा आया है रिटर्न आने का, कॉल मैसेज आने का, बातचीत करने का, ठीक है। और टावर आए हैं विद द वेटिंग, विद द थर्ड पार्टी, विद द लॉन्ग डिस्टेंस, विद द प्लानिंग, ओके। प्लीज सेंड योर गाइड मी। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर बोला है तो वन ही दिए हैं। क्विकली वापस आ रहे हैं और सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। थर्ड पार्टी से फाइट हो रहा है, थ्री के साथ आए हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मूव ऑन करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या फिर जहाँ पर स्टक है आपके पर्सन उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और आपके तरफ पॉजिटिव मूव लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन ने, ओके। तो ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ टाउन मूवमेंट आया है और नेक्स्ट एक्शन में आ सकता है, जिनके लाइफ में आया नहीं है। और आपके पर्सन पेशेंटली प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट एक्शन में भी, हो सकता है आप लोग 3 ईयर से या फिर यहाँ पर 3 मंथ से वेटिंग में हो, ओके। और 3-3 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर है, तो 3 डेज में वापस आ सकते हैं आपके पर्सन, या फिर 3 आवर्स में, क्योंकि 24 आवर्स के लिए जो है मेरा रीडिंग है। तो हो सकता है कि 3 आवर्स में वापस आ जाए आपके पर्सन, या फिर 6 आवर्स में, ओके। तो चलिए कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ फाइट हो रहा है, आपके पर्सन जहाँ पे है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर पास्ट में आपके साथ फाइट हुआ है। तो जो भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन आपके तरफ वापस आना चाह रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और जो है आपके साथ सक्सेस और विक्ट्री चाह रहे हैं आपके पर्सन। और यूनियन चाहते सिचुएशन में, बैलेंस करना चाह रहे सिचुएशन को। पेज ऑफ पेंटिकल, तो कोई जेस्चर आपको वो देना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, ओके। टेम्परेंस क्यों आया है एंजल यहाँ पर, टेम्परेंस क्यों आया है एंजल? बहुत ज्यादा हालमेट मोड में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन में है कि कैसे आपके तरफ आए, न्यू बिगिनिंग करे। देखिए यहाँ पर यूनियन का भी कार्ड है,
तो जरूर से यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगा। आपके पर्सन ने आपको स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं किसी और से, या फिर सोशल मीडिया पे वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 888, ठीक है। देखिए दी लवर्स, टेम्परेंस एंड न्यू बिगिनिंग। तो आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे, सोच विचार कर रहे कि कैसे आपके तरफ आए, रिकन्सिलेशन करे, सिचुएशन को बैलेंस करे, सॉर्ट आउट करे और आपके साथ पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करे, रियूनियन वो चाहते हैं। आपको स्पाई करते हैं, आपके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में विक्ट्री मिलेगा? क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में विक्ट्री मिलेगा? प्लीज एंसर गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में विक्ट्री आ रहा है? यस, विक्ट्री आ रहा है गाइस। दी स्टार का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको, और हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी प्रे कर रहे हो। देखिए जो भी आप दोनों के बीच सेपरेशन था, यहाँ पर वो सेपरेशन एंड होगा। अगर किसी का फैमिली थर्ड पार्टी बन रहा था, फैमिली ऑब्स्टिकल्स बन रहा था, तो यहाँ पर वो फैमिली ऑब्स्टिकल जो है वो दूर होगा। अगर आप लोगों का खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो है आप दोनों का जो सेपरेशन है यहाँ पर एंड होगा और आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आप भी उनका विश फुलफिलमेंट होगा इस, और इस रिश्ते के लिए होपफुल है। फ्यूचर वो देख रहे हैं कि आगे जाके जो है आप दोनों का विश फुलफिलमेंट होगा, आप दोनों एक साथ रहोगे, आप दोनों का बच्चे होंगे, या फिर जो लोग सिंगल हो गए आपके पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं और आपके बारे में फैमिली वो देखते हैं आपके साथ। ओके, शादी करना चाह रहे, घर गृहस्थी चाह रहे। 8 of Roads क्यों आया है एंजल? क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉल मैसेज रिसीव होगा? इनसिक्योरिटी से बाहर आएंगे आपके पर्सन। अगर डर रहे थे कुछ सिचुएशन में, स्लीवलेस नाइट था, 9-9 की एनर्जी है गाइस। मैरिज के कार्ड आए हैं लेकिन गिर गए हैं नीचे, और यहाँ पर देखिए फिर से मैरिज का कार्ड है। तो आपके पर्सन मैरिज को लेके कुछ बोल सकते हैं आपको, और मैरिज के बारे में सोच सोच के उनका जो है दिमाग खराब हो रहा है, और नेक्स्ट एनर्जी में भी, सॉरी नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ऐसा हालत उनका रहते हुए मुझे नजर आ रहा है। देखिए शादी का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड, तो हो सकता है शादी के लिए कुछ बातचीत करे आपके पर्सन, और शादी में वापस आ रहे हैं जो लोग मैरिड हो, वापस आ रहे हैं शादी में। जो लोग अनमैरिड हो आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम में हो सकते हैं, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, या फिर गिल्ट में भी जा सकते हैं कि वो आपको चाहते हुए भी आप उनको नहीं मिल रहे हो, इसीलिए डर रहे हैं। लेकिन वो डर से बाहर आएंगे क्योंकि 8 of Wands आया है, और यहाँ पर देखिए उन्होंने आपका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, गिल्ट में है, पछतावे में है, सो नहीं पाते हैं। और यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी 4-4 की है, और एक कार्ड्स नहीं, मुझे लगा कि 4-4, तो यहाँ पर 4-4 की सिंक्रोनिसिटी हो रहा है, 9-9 की सिंक्रोनिसिटी हो रहा है। तो जरूर से जो है यहाँ पर कोई साइकिल एंड होगा। अगर आपके पर्सन कोई कार्मिक मैरिज में भी है, मतलब कोई और से शादीशुदा है, ओके, और आप किसी और से शादीशुदा हो, ऐसा भी एनर्जी हो सकता है गाइस। जो भी हो आपका सिचुएशन, अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक शादी में फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा डर रहे कि मैं कैसे वहाँ से बाहर आऊँ और कैसे आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। यहाँ पर जो बात है शादी को लेके है, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन होगा, और जो लोग सिंगल एनर्जी में हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो आपके पर्सन के साथ, या फिर जो भी आपका एनर्जी हो, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, विडो हो, कोई भी हो, डिवोर्सी हो, डजेंट मैटर, अगर आप वेट कर रहे हो आपकी शादी के लिए आपके पर्सन के साथ, तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन आ रहे हैं, आपकी तरफ बातचीत करना चाहते हैं और आपको जो है शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि वो कैसे करे।
वो उनको नहीं पता, लेकिन वो बाहर जरूर आएंगे, बातचीत जरूर हो सकता है आपके साथ इस बारे में, नेक्स्ट 24 आवर्स में इस बारे में बातचीत हो सकता है आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, या फिर कोई डेविल एनर्जी हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में। देखिए पेज पेज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और देखिए जो भी डेविलिश एनर्जी है यहाँ पर एंड होगा, और आपके पर्सन ने डिसीजन ले चुके हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी कार्मिक बॉन्ड है, जहाँ पर आपके पर्सन रहना नहीं चाह रहे, वो सिचुएशन को एंड करने के लिए डिसीजन लेंगे पावरफुल आगे जाके नेक्स्ट एक्शन में। फिर से देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड है, दो दो थर्ड पार्टी का कार्ड है। यस, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है आपके पर्सन, रो रहे हैं, और जजमेंट होगा नेक्स्ट एक्शन में, जजमेंट होगा और थर्ड पार्टी एंडिंग्स होंगे। गाइस दिख रहा है कार्ड आपको, जगलिंग में दुखी है, जो भी दो सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं वहाँ पर दुखी है, वो इमोशन का छुपाते हैं, लेकिन वो प्रे करते हैं गॉड के पास कि गॉड मुझे जजमेंट करो, मेरा जो सिचुएशन है इस सिचुएशन का हाल निकालो आप, ठीक है। इस पॉजिटिव कार्ड को मैं रख रही हूँ नीचे, तो आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जेस्चर वो करेंगे, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप दोनों का टुगेदर वाला टाइम, वो याद करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी डेविलिश एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है, देखिए आपके पर्सन इमोशनल हो रहे, जजमेंट चाहते हैं, और यहाँ पर एंड करना चाह रहे सिचुएशन को, और नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी हद तक उन्होंने कोई ना कोई स्टैंड जरूर लेंगे थर्ड पार्टी एंडिंग्स के लिए, इसीलिए आया है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। या फिर बहुत ज़्यादा और सोचेंगे और प्रे करेंगे और ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे कि कोई बोल्ड एक्शन ले ले, कोई पावरफुल एक्शन ले ले, तो इसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। क्या सेलिब्रेशन आएगा, फ्री ऑफ कप्स क्यों आया है, क्या सेलिब्रेशन आएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या सेलिब्रेशन आएगा। यस गाइस सेलिब्रेशन आएगा, देखिए आपके पर्सन वापस आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, चैरियट के साथ आया है, उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि ड्रीम में गाइडेंस मिल रही है, फिर उनके आसपास ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है जैसे कि उनको साइन सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है कि वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आने के लिए फोर्स कर रहे हैं आपके पर्सन को, और आपके पर्सन भी आपको खोना नहीं चाह रहे, पॉजिटिव है, आपको सीने में ऐसे अटका के रखना चाह रहे हैं, किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, आपके पर्सन जिलस फील करते हैं, तो ज़रूर आपके पर्सन आ रहे हैं। गाइस देखिए यहाँ पर चैरियट के साथ आया है नाइट ऑफ बैंड्स, तो बहुत क्विकली आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। टावर क्यों आया है एंजल, कहाँ पर टावर मोमेंट आया है या फिर आएगा, ऑब्स्टिकल्स में टावर मोमेंट आएगा गाइस, थर्ड पार्टी में टावर मोमेंट आएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, थर्ड पार्टी एंडिंग्स होंगे, कार्मिक एंडिंग्स होंगे, या फिर कोई ना कोई बड़ा वाला टिकर उनको मिलेगा थर्ड पार्टी से, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लेंगे। अगर थर्ड पार्टी ने उनको कोई टिगर दिया, उनको कुछ भी बोला, या फिर उनके साथ कोई भी खराब व्यवहार किया, बदतमीजी किया, उनके रास्ते में आए, तो आपके पर्सन ने हार्ट ब्रोकन होंगे, तब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा जो है हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में चले जाएंगे, लेकिन बाद में वहाँ पर जो है टावर मोमेंट क्रिएट होगा, आपके पर्सन उस सिचुएशन को एंड करना चाहेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है। ओके क्या वेटिंग खत्म होगा, थ्री ऑफ बैंड्स क्यों आया है, थर्ड पार्टी है, थ्री ऑफ बैंड्स, देखिए बहुत दिनों से अटके हुए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पर्सन आपके तरफ स्टेबल कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, आपके साथ घर गृहस्थी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, जो लोग सिंगल हो आपके पर्सन आपको वाइफ की तरह दिखते हैं, हस्बैंड की तरह मानते हैं, ठीक है, आपके साथ ही बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ते को लेके जाना चाह रहे हैं, केयर फ्री होकर आपके तरफ आना चाह रहे हैं, लॉयल है, कोई ना कोई स्टेप वो लेना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है एंजल यहाँ पर, सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेके, कहीं दूर चले जाना चाह रहे हैं, अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो गॉड के पास प्रे कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा चुप्पी मार के बैठे हैं, ठीक है। सारे लोग रहते हुए भी वो खुद को अकेला कर रहे भीड़ से, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, खुद के अंदर ही वो रहते हैं, खुद के साथ खुद ही बातें करते हैं और सोचते रहते हैं। देखिए बहुत ज्यादा दुखी एनर्जी है, यहाँ पर भी मुंह लटका के वो देख रहे हैं, जो काफ उनके पास नहीं है, जो पास है, जो काफ उनके पास है उनको वो पीछे छोड़ दिया है, उनको इम्पोर्टेंस अभी नहीं दे रहे, नहीं देख रहे हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जो काफ्स नहीं हैं, आपको उन्होंने पास में निगलेक्ट किया था, तो आप चले आए हो, उनके लाइफ से दूर आ चुके हो, तब उन्होंने आपको देख रहे हैं दूर से और दुखी हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं गॉड के पास ताकि शॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन है। देखिए यहाँ पर घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो घर के अंदर कैद करके बैठे हैं, सोए हैं खुद को, हो सकता है उनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहा हो, और पेशेंटली वो प्लानिंग कर रहे हैं। जिन लोगों का पेंटिकल का इशू है तो वो पेंटिकल को लेके भी प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ दूर जाना चाह रहे, कहीं अदर सिटी जाके घर बसाना, या फिर जिन भी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाह रहे, मूव करना चाह रहे हैं, खुद की फैमिली को लेके बाहर आ जाना चाह रहे हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। और आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही वो खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ ही घूमना फिरना, आगे की वो जो उनका जो लाइफ है वो ड्रीम करते हैं। वो कितने टाइम में वापस आएंगे, क्या 24 आवर्स में वापस आ जाएंगे? नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है, क्या 24 आवर्स में वापस आ जाएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या 24 आवर्स में वापस आ जाएंगे? प्लीज एंसर गाइड मी, नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है, नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, देखिए जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, यहाँ पर बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, जहां पर भी वो थे, जितने सारे ऑप्शन उनके पास था, जो जो चीज उनके पास था, जिन चीजों की वजह से एक दिन उन्होंने आपको छोड़ दिया था, अभी इसी वक्त उन चीजों से वो दूर भाग रहे हैं खुद, और किसके तरफ भाग रहे हैं, आपके तरफ, उन सारी चीजों को वो छोड़ना चाह रहे हैं और आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने अगर आपको कुछ भी नहीं दे रहा था तो आप देना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड हो उनके पर्सन वापस आ सकते हैं आपके फैमिली में, आपके गेट टुगेदर हो सकते हैं बच्चों के साथ, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो रिकन्सिलेशन होगा। और जो लोग सिंगल देख रहे हो या फिर आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, तो आपके पर्सन भी आपको शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ओके। तो जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है, अगर कोई फीमेल एनर्जी में है, मेल भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनकी बातें मनवाते हैं, ठीक है, उनकी बातों पे, उनके इशारों पे नचाते हैं या फिर नचाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन को पता चल चुका है कौन कैसा है, इसीलिए वो उन सारी ऑप्शन से, चीज़ों से मूव ऑन करके आपके तरफ आ रहे हैं क्विकली, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर इम्पोर्टेंट है 8 हो सकता है, 8 आवर्स में और 4 आवर्स में वापस आ सकते हैं आपके पर्सन, ओके। या फिर 10 आवर्स में। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल? कर्मा, कार्मिक सिचुएशन के साथ फाइट हो रहा है, इसलिए आपके पर्सन स्ट्रेन गैदर कर रहे हैं। अगर पहले आपके साथ फाइट हुआ है तो स्ट्रेंथ गैदर करें आपके तरफ एक्शन लेने के लिए, जजमेंट आपके तरफ करने के लिए, जस्टिस लेके आने के लिए, बैलेंस लेके आने के लिए। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच तो काट ऑफ करने के लिए सोर्स पकड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, इसलिए आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, और कोई हो सकता है उन्होंने कोई टेक्निक्स आपके तरफ यूज कर रहे हैं ताकि आप ही वापस आ जाओ उनके लाइफ में, ठीक है। इसीलिए मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, और आपके पर्सन आपको, आपका जो मिसिंग एनर्जी है उनको इग्नोर करने के लिए काम में खुद को बिजी कर रहे हैं, या फिर आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, लॉन्ग टर्म के लेके इस रिश्ते को जाने के लिए, फ्यूचर देखने के लिए उनको जो है मानी चाहिए, इसीलिए वो बोल्डली एक्शन ले रहे हैं और जो है आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको उनको काम करना पड़ेगा, और आप जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, इसीलिए आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए दूसरी डेक से हम देखते हैं
कि और कैसा एनर्जी है, क्या वापस आएंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। तो इस डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल गाइड मी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आएंगे उनके तरफ। नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या वापस आएंगे उनके तरफ। प्लीज एंजल गाइड मी नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं उनके तरफ। क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो इंट्यूटिवली मैं कुछ कार्ड ले रही हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन खुद को काम में बिजी करेंगे और बैलेंस लेके आना चाहेंगे। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, इशू है, तो सॉर्ट आउट हो सकता है, आपके तरफ रिजल्ट आ सकता है, या फिर आप दोनों का जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों के भी जो भी प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो सकते हैं। और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद के स्टडी पे या फिर खुद के काम पे, खुद के बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और हो सकता है जिन लोगों का बातचीत हो रहा है उन लोगों का फाइट हो जाएगा इस, और जो लोगों का बातचीत नहीं हो रहा है यहाँ पर आपके पर्सन कॉल मैसेज कर सकते हैं। थ्रोट चक्र का कार्ड है तो हो सकता है कि आपके पर्सन वापस आ जाए, बातचीत करे, एक्सप्रेस करे। अगर इतना दिन उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, उनके लाभ के बारे में आपको कन्फेस नहीं किया था, तो यहाँ पर जो है कन्फेस करेंगे। उनका जो इमोशन है वो आपको शो कर सकते हैं अगर बातचीत हो रहा है तो, या फिर नहीं हो रहा है तो बातचीत हो सकता है। और जिन लोगों का बातचीत हो रहा है गाइस, हो सकता है कि फाइट हो जाए आपके घर में या फिर आपके पर्सन के साथ या फिर आपके काम की जगह पे छोटा मोटा फाइट हो सकता है गाइस। तो जो भी फाइट हो, डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइट होंगे लेकिन वो कोई एक पर्पज़ के लिए होंगे, क्योंकि वो फाइट होना ज़रूरी है। वहाँ से आपको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। ओके और डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको पहचानो। देखिए काम की यहाँ पर बहुत बार एनर्जी आ चुके हैं तो आपको जो है हो सकता है आप भी खुद को नेक्स्ट 24 आवर्स में काम में बिजी कर लो, और या फिर आपके पर्सन काम में खुद को बिजी करेंगे। ओके और ये मैसेज 2 बार निकल के आए हैं आज के दिन में। नो कॉन्टैक्ट में भी आया था विल विस्टम एंड माइंड। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे, या फिर आपको भी हो सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज रिसीव हो, विस्टम रिसीव हो। आपका जो पावर है, विल पावर, जो भी आप कर सकते हो वो पावर बढ़ सकता है। ठीक है, आपके माइंड में जो है पीस क्रिएट हो सकता है। ओके तो चलिए देखते हैं और क्या आ सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके तरफ। और क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के तरफ। प्लीज एंजल गाइड मी और क्या होगा मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में। उनके पर्सन ने क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। और क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। प्लीज एंजल गाइड मी और क्या हो सकता है। देखिए शादी के कार्ड फिर से आए, हेरोफेंट वहां पर आया था। और क्या हो सकता है, शादी को लेके कुछ बात तो यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है और क्या हो सकता है एंजल नेक्स्ट 24 आवर्स में। फिर से आया, देखिए इनसिक्योरिटी वहां से आया था। और क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और क्या हो सकता है, विक्ट्री निकल के आ गए, सेम कार्ड आए थे वहां से, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल आया था ना यहाँ पर इस जगह पे, फिर से आए हैं। और क्या एक्शन ले, देखिए डेथ कार्ड भी निकल के आ गए गाइस। प्रेडिक्शन जो है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। किंग ऑफ सोर्स आपके पर्सन पावरफुल डिसीजन लेने के लिए खुद को बहुत ज्यादा मतलब
होते ना स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा कटथ्रोट एनर्जी में है कि अगर कोई भी अनबन हुआ, कोई भी उनको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हुआ, तो उन्होंने सोर्स लेके बैठे हैं उस सिचुएशन को काट करने के लिए और क्लियर करने के लिए इस सिचुएशन को। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में है कि कोई अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर तो आपके पर्सन एक्शन जरूर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप कार्ड्स देखिए, सेम कार्ड रिपीट हुआ है, वहाँ से भी हायरोफेंट आया था, वहाँ से भी डेथ आया था, वहाँ से भी पेज ऑफ पेंटिकल आया था, वहाँ से भी स्लीपलेस नाइट आया था, लेकिन क्लैरिफिकेशन में फाइव ऑफ पेंटिकल शायद आज नहीं आया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। देखिए डेविल के साथ एंडिंग आया था, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, तो डेविलिश एनर्जी एंड हो रहे हैं और आपके पर्सन स्टेबिलिटी देंगे। क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड आया था तो जरूर से स्टेबिलिटी मिल सकता है। ब्रेकअप के कार्ड आ गए हैं यहाँ पर, ये कार्ड भी आया था, और आपके पर्सन अगर ब्रेकअप है, सेपरेशन है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, केयर फ्री होके आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ओके, शादी के बारे में देखिए, हेरोफेंट का कार्ड है, तो जो लोग मैरिड हो आपके पर्सन से, तो आपके पर्सन वापस आके रिकॉन्सिलेशन करते हैं। जो लोग आपके पर्सन से मैरिज करना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन भी आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, शादी करने के लिए ऑफर देना चाह रहे हैं, या फिर ट्रेडिशनली मैरिज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब सबके रजामंदी से, सबके इच्छा को मान के आप लोग शादी कर सकते हो। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया था, पास्ट में उन्होंने जैसा बिहेव किया आपके साथ वैसा ही उनको फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुखी है। तो मैं यहाँ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं करूँगी गाइस। सेम कार्ड निकल के आए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे कार्ड जो हैं क्लैरिफिकेशन में आया था। ये कार्ड्स आप देखिए, अगर आपके पर्सन कोई कार्मिक मैरिट में अटके हुए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और वहाँ से बाहर आके आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डेविलिश एनर्जी एंड होगा, आपके पर्सन उस डेविलिश एनर्जी से बाहर आके आपको शादी करेंगे। ठीक है, और जो लोग मैरिड हो और आपके पर्सन की फैमिली जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगा और आपके पर्सन आपके शादी में वापस आएंगे। जो लोग सिंगल हो गाइज, आपके पर्सन आपको शादी करना चाह रहे, इसलिए इमोशनल है, आपको उनका प्यार ऑफर कर सकते हैं, काफ जो है प्यार और इमोशन को दिखाता है, तो जरूर से उन्होंने उनका जो प्यार है, इमोशन है, वो आपको शो करवाएंगे, दिखवाएंगे, बोलेंगे और स्टेबिलिटी देंगे मैरिज के लिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, आपके साथ घर बसाना चाहती हूँ, आगे का जिंदगी मैं आपके साथ ही गुजारना चाहती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँगी या फिर आ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये सारी एनर्जी जो है आपके पर्सन के दिमाग में चल सकता है, और आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ आ सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है कि टाइम डिफर करे, ठीक है, ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बातचीत हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। और देखिए विक्ट्री का कार्ड भी वहाँ से आया था, एक कार्ड मैंने अभी तक नोटिस किया था आते समय, लेकिन इसके बाद मैंने नोटिस नहीं किया, तो ज़रूर से आपके पर्सन आ रहे हैं। वहाँ पर क्लैरिफिकेशन मैंने किया था, तो स्टार कार्ड आया था वहाँ पर, विद द लवर्स आया था, तो ज़रूर से विद द लवर्स आया था लग रहा है, स्टार कार्ड के साथ स्टार कार्ड जरूर आया था, उसके साथ लवर्स आया था लग रहा है। तो जो भी हो, आपके पर्सन सक्सेसफुली आपके तरफ आना चाह रहे हैं, सिक्स ऑफ जो रोड्स है वो भी शादी के कार्ड है, तो आपके पर्सन बैंड बाजा 12 लेके आ रहे हैं आपके घर, ताकि आपके साथ जो है शादी कर सके, जिंदगी को आगे बढ़ा सके। ओके, तो गाइस ये था नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए रीडिंग प्रेडिक्शन। अगर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है, तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताना कितना अच्छा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, और कोई भी अगर न्यू टॉपिक अगर आप लोगों के दिमाग में आते हैं, ताकि आपका अच्छा लगे, उसी तरीके का टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं सबके हर एक टॉपिक पे रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप जो जो टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक में, ठीक है, सबका ही टॉपिक मैं पकड़ूंगी, लेकिन एक के बाद एक, ओके, और सबके टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस ये था रीडिंग, तो अच्छे से खुद का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और दूसरों को ज़रूर हेल्प करना जितना आप उससे हो सके, ठीक है, फिजिकली मेंटली। ठीक है,
इकोनॉमिकली जैसा भी आप कर सकते हो, जितने भी आप कर सकते हो उतना हेल्प जरूर करना, ताकि आपको खुशियाँ मिले, आपको ब्लेसिंग्स मिले और जिनको भी आप हेल्प कर रहे हो उनका भी हेल्प हो जाए. ओके, तो टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.